हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन वी हैड स्टार्टेड टू रीड अ स्टोरी ना. यस मैम. व्हाट इज दिस? यस मैम. यस. व्हाट वाज दिस स्टोरी? लुईसाज स्टोरी. लास्ट सेशन में हमने स्टोरी पढ़नी शुरू की थी. स्टोरी कौन सी थी? लुईसाज स्टोरी. आपको इस स्टोरी में हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. सो बिफोर स्टार्ट द स्टोरी, बिफोर स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. आप सभी के लिए क्वेश्चंस है. आर यू रेडी? यस मैम. यस मैम. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज लुईसा? हु वाज लुईसा? अनिल टेल, हु वाज लुईसा? चालू यू टेक. यस अनिल, मैम लुईसा वाज अ गर्ल, ही लिव्ड इन अ बिग हाउस. लुईसा वाज अ लिटिल गर्ल. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिस्टर्स लुईसा हैज? How many sisters? Yes, Anupriya, tell. Ma'am, three. Lisa has three sisters. Very good. Next question. Where did they live? Where did they live? Yes, Anupriya, tell. Ma'am, they live in a big house. Okay. Saurabh Kanojia, you tell, beta. Ma'am, they live in a big house in the countryside. Very good. They live in a big house in a countryside. Very good. Next है, what was the hobby of Lisha? What was the hobby of Lisha? Shalu, Asmit, you tell. Okay, Anil, tell beta. Ma'am, the Lisa's hobby is writing a story. Lisa's hobby was writing the story, है ना? Lisa को write, yes, ma'am. Story write करना अच्छा लगता था ना? Yes, ma'am. Okay, very good. Next question है, what do you think Lisa wrote in her diary? Lisa अपनी diary में क्या लिखती थी? Yes, Aman, tell. Ma'am, he make story and poem for her. Yes, Anupriya, you also tell. Ma'am, she write stories and poems by on. She write plus she wrote in her diary stories, poems and her thoughts, है ना? उसके creative mind में जो thoughts आते थे वो thought भी note करती थी ना diary में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A question again. How do you think the girl played pretend play? How do you think the girls played pretend play? Girls ने pretend play वो कैसे play करती थी? Just tell, Anupriya. Ma'am, by wearing big clothes like fathers, mothers, ma'am, and their families' clothes. Okay. Aman, tell. Ma'am, he plays cloth of fathers and mothers. मतलब I think they played pretend play by role playing, है ना? Role playing in the story, drama. Yes,
रोल प्ले करते थे ना वो, और वो ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे वो ग्रोन अप हो गए हैं, है ना, जैसे मैंने कपड़े पहनकर उनकी जैसे एक्टिंग करते थे. अंडरस्टूड ना? ओके, सो लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. हम सेकंड स्टोरी के सेकंड पार्ट पे आते हैं. आपको लुइसा की पिक्चर दिख रही है ना? यस मैम. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे द गर्ल्स लव एक्टिंग मोर देन एनीथिंग. They had made a barn into a theater and invited the grown-ups to come watch the plays and act it in. It was a great fun. मतलब जो girls थी उनको क्या अच्छा लगता था? Acting करना. जैसे भी मैंने बोला, उनको acting करना, role play करना बहुत अच्छा लगता था. More than anything, कोई अदर game play करने की बजाय उनको acting करना बहुत अच्छा लगता था. Understood? Yes, they had made the barn into a theater. Barn means? What's the made a barn? Who wants to tell? Ma'am, ma'am, godown. Ma'am, जहाँ पे ma'am अनाज रखा जाता. यहाँ पे वो grains रखते हैं. Means godown. तो अपने godown को barn को उन्होंने theater बना लिया था. What's the made a theater? Who will tell me? What's the made a theater? Anupriya, what's the meaning of theater? Theater होता है बेटा, जहाँ पे कहते हैं यहाँ पे play होता है. Yes, Aman, tell बेटा. मैम जहाँ पे मैम सब लोग acting करते हैं, मैम वो stage, मैम जो रहता है, मैम उसको theater बोलते हैं. Very good. जहाँ पे acting होता है, कोई drama जहाँ पे play होता है, जैसे कहते हैं नाटक हो रहा है ना, तो वो जो room होता है, जो stage होता है, उसको theater बोलते हैं. Okay? तो उन्होंने क्या किया था, अपने बार्न को थिएटर बना लिया था. अंडरस्टूड? और वहां पे वो क्या करते थे, एंड इनवाइटेड द ग्रोन्स अप. ग्रोन्स अप मींस जो बड़े लोग थे, अपने आसपास के नेबरहुड जो होते थे और उनके घर के जो मेंबर्स होते थे, उन्हें वो इनवाइट करते थे टू कम, मतलब उनके थिएटर में आने के लिए, एंड प्ले द एक्टेड इन और वॉच द प्ले. वॉच मींस देखना, प्ले मींस देखना. प्ले मीन्स रोल. मैम जो मैम जो करते ड्रामा. हियर प्ले इज नॉट अ वर्ब. यहाँ पे प्ले वर्ब नहीं है, प्ले इज अ नाउन, ड्रामा. ओके, तो उनके वो जो प्ले करते थे, ड्रामा जो जितने वो लोग एक्ट करते थे, उसे देखने के लिए वो सभी को इनवाइट करते थे. ओके, इट वॉज ग्रेट फन. और ऐसा करने में बहुत मजा आता था, बहुत उन लोग को प्लीजर फील होता था. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. One of their favorite plays was Jack and Beanstalk. They had a ladder that went from the floor to the loaf. On the ladder, they tied a square vine all the way up to the loaf to look like a wonderful beanstalk. One of their favorite play. मतलब उनका एक सबसे favorite play जो था, drama जो था, वो क्या था? Jack and Beanstalk की story को play करना. आपने सुना है जैक एंड विंस्टॉक की स्टोरी? हैव यू रीड जैक एंड विंस्टॉक? यस मैम. हु विल टेल मी? यस मैम. हु विल टेल मी? रेज हैंड ऑप्शन यूज करिए बेटा, कौन बताएगा हमें? यस अनुप्रिया, टेल. मैम, वंस देयर वाज अ फैमिली. इन द फैमिली देयर वाज अ बॉय एंड हर मदर. They had no money to eat, so they had a cow. So they think that we had to sell the cow in the street. Mama, a old person met to Jack, and he said that please give me this cow from a beans. ओके, तो यहाँ पे क्या था, जो जैक था वो एक जायंट का पीछा करते हुए, मतलब वो हेवन में जाता है ना. यस मैम. ऐसा ही तो था. तो
वो बीनस्टॉक जो था उसके सहारे वो हेवन में जाता है, और इसके बाद जो जो जायंट है वो जैक का पीछा करते हुए आता है, और फिर जैसे जैक नीचे आता है वो क्या करता है, वो जो बीनस्टॉक है उसकी स्टेम को कट कर देता है और जायंट गिर जाता है। ऐसे तो होता है ना स्टोरी में। तो उनका जो फेवरेट प्ले था वो जैक एंड बीनस्टॉक था। They had a ladder that went from the floor to the loft. मतलब उन्होंने एक ladder रखा था। Ladder means what the mean of ladder? सीढ़ी। उन्होंने एक ladder लगाई थी जो कि floor से loft तक जाती थी। Loft means होता है ऊंचाई तक। Okay? Ma'am. Yes, ma'am. Yes. So on the ladder they tied a square spine. अब उनके पास beanstalk नहीं था, तो उन्होंने ladder पे जो प्लांट लगाया वो क्या था, स्क्वायर स्वाइन। स्क्वायर स्वाइन मीन्स होता है कह सकते हैं कि जो गॉड का जो स्टेम होता है, ठीक है, एनिडिबल गॉड और वेजिटेबल होता है उसको जो कि क्रीपर्स होते हैं, तो उसने उस लैडर पे लगा दिया ऑल द वे अप टू द लोब, और वो भी ऊपर तक जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, टू लुक लाइक अ वंडरफुल बीनस्टॉक। वो स्क्वायर स्वाइन का जो प्लांट था वो बीनस्टॉक जैसा दिखता है। वन ऑफ द लिटिल गर्ल्स ड्राइड अप ड्रेस्ड अप टू लुक लाइक जैक। अब फोर गर्ल्स थी ना वहां पे, तो इसमें एक गर्ल जो होती है वो जैक का रोल प्ले करती है। वन ऑफ द लिटिल गर्ल्स ड्रेस्ड अप टू लुक लाइक जैक। एक गर्ल जैक बनती है, एंड व्हेन इट कम टू द पार्ट इन द स्टोरी, और जब जैक का पार्ट आता है स्टोरी में, तो वेयर द जायंट ट्राइड टू फॉलो जैक, जहां पे स्टोरी में क्या वो सीन चल रहा है कि जो जायंट है वो जैक का पीछा कर रहा है। जैक कौन बनी है, एक गर्ल बनी है। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। तो समझ आ रही सभी को? यस मैम। ओके, फिर होता क्या है, द लिटिल गर्ल कट डाउन द बीनस्टॉक। वो लिटिल गर्ल जो कि जैक का रोल प्ले कर रही है वो बीनस्टॉक को कट कर देती है। अब जैसे वो कट करती है फिर क्या होता है, एंड द जायंट केम टम्बलिंग डाउन फ्रॉम द लॉफ्ट। द जायंट वाज मेड आउट ऑफ ह्यूज पिलोज। अब तुरंत जायंट जो होता है वो नीचे आता चला आता है, गिर जाता है। टम्बलिंग मीन्स होता है रोलिंग करते हुए, मतलब करते हुए, जैसे कि बॉल रोल करता है। अंडरस्टूड? बॉल को अगर हम गिराते हैं तो रोल करते हुए नीचे जाता है ना। यस, तो ऐसे ही जो जायंट है वो रोलिंग करते हुए नीचे आ जाता है। ओके, और यहाँ पे चीज आपको देखने को मिलेगा, द जायंट वॉज मेड आउट ऑफ अ ह्यूज पिलो। जायंट जो बना किससे है मैम, ह्यूज मेड आउट ऑफ ह्यूज पिलो से बना हुआ है। अब देखिए इसको फील करके आपको अपनी स्टोरी, अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है। आप लोग भी ऐसे ही रोल प्ले करते रहे होंगे ना, जब भी प्ले करते रहेंगे चाइल्डहुड में, डॉल्स के साथ प्ले कर रहे थे, एक्टिंग करते थे, करते थे कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो वहां पे जैन जो है वो किससे बना हुआ है, पिलो से बना हुआ है, और वो गिर जाता है, पिलो बिखर जाता है। अंडरस्टूड? यस मैम। स्टोरी इंटरेस्टिंग है? यस मैम। ओके, अनदर स्टोरी दे लव टू प्ले परफॉर्म वर्स, मतलब अभी तो जैक एंड बीनस्टॉक की स्टोरी पसंद थी, अब एक दूसरी स्टोरी भी इनको प्ले करना, एक्टिंग करना अच्छा लगता था, वो क्या थी? गैस कर सकते, कैन यू गैस? सिंड्रेला की स्टोरी। हैव यू हियर द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी ने सुन रखा है ना? यस मैम। आप इसका रोल प्ले करते हो, क्या करते थे? दे मेड अ पंपकिन कैरेज आउट ऑफ द व्हील बैरो। अब सिंड्रेला की स्टोरी में क्या हुआ था कि फेरी गॉड मदर आती है ना, और वो सिंड्रेला को ब्लेस करती है, और जिसमें जिससे क्या होता है, सिंड्रेला जो होती है वो एक प्रिंसेस बन जाती है ना? यस मैम। यस मैम।
और एक मैजिक व्हीकल आता है और जिससे बैठकर वो कहाँ जाती है, प्रिंस के कैसल में, प्रिंस के पैलेस में जाती है ना। इसमें तो ऐसे ही वो सिंड्रेला का जब रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने जो फेरी गॉड मदर ने जो उनको वो गिफ्ट किया था, कैरेज गिफ्ट किया था, वो उन्होंने कैसे बनाया, पंपकिन से बनाया। देखिए ये आपको व्हील हैरो दिख रहा है स्क्रीन पे। यस मैम। यस मैम। ये गाड़ी अच्छी लगी आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये व्हील हैरो रेडी होता है। व्हील हैरो मीन्स क्या होता है, ऐसी व्हीकल जिसमें सामने से एक व्हील लगा हो। देखिए आप, वन व्हील दिख रहा है ना सामने से। यस मैम। तो अब वो व्हील हैरो रेडी करते हैं। सिंड्रेला रोल्ड अवे इन इट। अब सिंड्रेला जो है, वन गर्ल उसमें से जो थी, थ्री गर्ल्स उसमें से वन गर्ल सिंड्रेला बनती है। अंडरस्टूड? वन गर्ल जो है वो फेरी गॉड मदर बनी हुई है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। yes, ma'am. और वन गर्ल जो है वो सिंड्रेला की व्हीकल को ड्राइव, वो ड्रैग कर रही है, ड्रॉम कर रही है। ओके। अब सिंड्रेला रोल्ड अवे इन इट। अब सिंड्रेला इसमें बैठती है एंड राइट डाउन द एसल। अब वो चलती है एसल की तरफ। वेयर वेयर सी वेंट, वो कहाँ जाती है, कहाँ गई? एसल की तरफ। मैम किंग पैलेस। मैम महल में। पैलेस में, प्रिंस के महल। पैलेस की वो। यस वेरी गुड मैम। टुवर्ड्स द सेंट। ओके। व्हेन द फेरी गॉड मदर मूव्ड हर वैंड। जब फेरी गॉड मदर अपने वैंड को मूव करती है, अपना मैजिक वैंड मूव करती है, उनकी गाड़ी चल देती है पैलेस की तरफ। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट। यस मैम। हैव यू रीड अपने सिंड्रेला की स्टोरी, आगे पढ़ी थी ना, वो जाती है। इसके बाद अब देखते हैं हम। लुइसा लव्ड ऑल दीज प्लेस, शी मेड सम ऑफ हर ओन एंड रोट देम डाउन सो दैट द फोर ऑफ देम कुड एक्ट इन देम। मतलब ये सारी स्टोरीज प्ले करना, रोल प्ले करना लुइसा को अच्छा लगता था। इसके अलावा वो क्या करती थी, शी मेड सम ऑफ हर ओन। अभी आपने देखा कि लुइसा हैड अ क्रिएटिव माइंड ना। yes, ma'am. वो अपनी स्टोरी क्रिएट करती थी और डायरी में लिखा करती थी ना। yes, ma'am. इस तरीके से वो प्ले भी लिखती थी और उसमें जो फोर गर्ल्स थी उसमें एक्ट करती थी। जो लुइसा है वो खुद की स्टोरी लिखती थी और उसमें वो जो फोर गर्ल्स थी सब मिलकर एक्टिंग करती थी। अंडरस्टूड? yes, ma'am. ओके। लुइसा लाइक्ड राइटिंग स्टोरीज बेस्ट। She continued to write stories and wanted to get them published. Luisa को story write करना सबसे अच्छा लगता था, because it was her hobby. उसको hobby यही था ना, writing. Yes ma'am. She continued to write stories. वो अपनी जो story write करना, उसकी जो skill थी, वो इसको continue रखती है। मतलब हमेशा story, जब वो जैसे उसके लिए उसने अपने daily routine का schedule बना रखा था, है ना? वो खेलने के लिए भी टाइम निकाल लेती थी और वो रीडिंग स्टडी की भी टाइम वो निकाल लेती थी। मदर की हेल्प भी करती थी ना किचन में, सेट द टेबल, टेबल सेट करते थे ना वो सभी। यस मैम। और इस तरीके से वो अपनी हॉबी के लिए भी अपना टाइम निकाल लेती थी और स्टोरीज लिखा करती थी। ओके। यस मैम। एंड वांटेड टू गेट देम पब्लिश। और उसकी ये विश थी कि जो स्टोरीज वो राइट कर रही है वो पब्लिश हो। व्हाट द मीन ऑफ पब्लिश, हु विल टेल मी? यस सौरभ, टेल। मैम अ कंपनी और पर्सन दैट प्रिपेयर एंड इशू बुक। पब्लिश नहीं होता है, प्रकाशित करना। जैसे स्टोरी कोई चीज लिखा जाए उसको प्रिंट करके और उसको बुक बना के पब्लिश किया जाए, प्रकाशित किया जाए, जिससे हर कोई इसे पढ़ सके। ओके। जैसे आप लोग स्टोरी पढ़ रहे हो तो ये पब्लिश की हुई है ना। यस मैम। यस मैम। तो वो भी चाहती थी कि वो जो लिख रही है वो भी, उसकी भी स्टोरी जो पब्लिश किया जाए। ओके। बट सी वॉज अनेबल टू डू सो। लेकिन वो भी लिटिल थी तो वो अनेबल थी कि वो ऐसा कर सके, क्योंकि उसको भी तो वो इसकी हेल्प करने वाला होता है तब वो कर सकती ना ऐसा। yes, ma'am.
पीपल इवन टोल्ड हर दैट शी वाज वेस्टिंग हर टाइम. वो राइटिंग करती थी तो उसके घर के जो मेंबर होते थे उसको कभी कभी डांटते भी. क्यों? क्योंकि उसे ये कहते कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, इसके बजाय वो और भी काम कर सकती है. जब देखो लिखा कर दी है. बट लुइसा नेवर स्टॉप्ड राइटिंग. लेकिन लुइसा जो है वो हार नहीं मानी. वो अपनी राइटिंग की जिसकी हॉबी थी उसने अपनी हॉबी को नहीं छोड़ा. वो राइटिंग कंटिन्यू करती रही. आप लोग के पास भी ऐसे हॉबीज होती होंगी, कभी कभी आपको भी डांट पड़ती होगी ना कि जब देखो तब पेंटिंग करते रहते हो, जब देखो तब आप स्टोरी लिखते रहते हो, कुछ और करो, लर्निंग क्या करो. पढ़ती रात की नहीं पढ़ती? यस मैम. ऐसे लुइसा के साथ भी था. बट लुइसा जो थी वो पढ़ाई भी करती थी और अपनी हॉबी के लिए टाइम निकाल लेती थी और वो कभी भी हारी नहीं थी. ओके तो स्टूडेंट्स आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी तक इस स्टोरी में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम. नो मैम. स्टोरी का फर्स्ट सेकंड पार्ट सभी को क्लियरली समझ में आ गया? यस मैम. ओके इंटरेस्टिंग है स्टोरी? यस मैम. आर यू एंजॉयिंग? यस मैम. ओके यस मैम. In the next session, we will read the third part of the story. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज के लिए इतना ही. Next session में जैसे हमने अभी questions से start किया story पढ़ना, ऐसे ही next session में मैं इससे questions पूछूंगी आप लोगों से. Okay? First and second part से related. Yes, ma'am. So you need to learn this story again. आप लोग books फिर से पढ़ना ताकि next session में आप इसका answer दे सके. Understood? Yes, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड एंजॉय योर स्टडी. ओके यस मैम.